नमस्कार, मैं हूं मेघना चौधरी। आपने हर शब्द को कुछ कहते सुना होगा। ऐसा ही एक शब्द है तरक्की। कहने के लिए शब्द, पर अगर समझें तो जुनून। कहते हैं जो इस शब्द को जीता है कहानी बन जाता है, ऐसी कहानी जिसका नाम कामयाबी होता है। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं, कुछ ऐसी कहानियां लेकर जो कामयाबी से जुड़ी हैं। कामयाबी उनकी जिन्होंने संघर्ष किया और सफलता हासिल की। आज के हमारे शो में हम मुलाकात कराएंगे आपकी सफल LIC एजेंट से, जिनकी कहानी से आपको मिलेगी प्रेरणा और साथ ही आप जुड़ पाएंगे LIC के साथ। LIC के साथ जुड़ने के लिए कोई बड़ी डिग्री या अधिक पूंजी होना जरूरी नहीं है। अगर आपने 12वीं तक की स्कूली शिक्षा पूरी की है और आपकी उम्र 18 साल है, तो आप भी LIC एजेंट बनकर अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं, सपनों की उड़ान भर सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी एक पुरानी कहावत है कि दिल्ली अभी दूर है, जिसका मतलब है कि मंजिल अभी दूर है। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिनकी मंजिल दूर नहीं बल्कि हासिल हो चुकी हैं। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 के सफर में आज हम पहुँचे हैं दिल्ली, जहाँ आपकी मुलाकात कराएंगे LIC के सफल एजेंट राजीव आर्या से। सफलता की कई कहानियों से अलग, जहाँ लोग कई सालों के बाद एक अलग क्षेत्र में सही करियर को खोज पाते हैं, वहीं राजीव आर्या ने LIC के साथ काम करना अपने स्नातक के बाद ही शुरू कर दिया था। 1985 से 1997 तक आपने LIC के अलग अलग प्रशासनिक क्षेत्रों में काम किया। इस प्रक्रिया में आपने कई नीति धारकों और आम जनता के साथ बातचीत की। अपने काम में हमेशा अव्वल रहने की आदत ने आपको दूसरों से अलग खड़ा किया। नौकरी के साथ साथ आपको अक्सर लगा कि आप भी फील्ड पर काम कर सकते और लोगों की बचत योजनाओं को एक निश्चित दिशा दे सकते। काफी सोच विचार करने के बाद साल 1997 में आपने LIC उद्यमी बनने के लिए अपने कार्यालय से इस्तीफा दे दिया। उद्यमी परिवार से होने के चलते आपके पहले ग्राहक आपके ही रिश्तेदार और दोस्त थे, जो ये जानकर खुश थे कि कोई है जो उनकी बचत का ध्यान रखेगा। आज आप देश के सफल LIC एजेंट्स में से एक हैं। सालाना आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यही नहीं, आप मौजूदा समय में 6,000 से अधिक ग्राहकों की बचत को मैनेज करते हैं। आपने अपने सपनों को हकीकत बनाया, जिसका नतीजा है कि आज आप अपने सपने को कामयाबी के रूप में जी रहे हैं। तो ये कहानी है राजीव आर्या की, जिन्होंने अपने पिता के व्यवसाय को ना अपना कर अपनी खुद की पहचान बनाने की कोशिश करी, अपने लिए एक नई मंजिल तलाश की। तो आइए जानते हैं राजीव आर्या जी से उनका सफर। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। धन्यवाद मेघना जी। आपके पिता व्यवसाय करते थे जी, ऐसे में आप LIC के साथ कैसे जुड़े? दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे प्लेसमेंट मिला LIC के प्रशासनिक कार्य करने के लिए। कई वर्ष मैंने LIC के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किया, मेरा स्थानांतरण भी होता था। उस सब अनुभव के दौरान मैंने ये सीखा, मैंने ये पाया कि ग्राहक जो हमारे पॉलिसी धारक हैं LIC ऑफ इंडिया के, उनकी सेवा करने में, उनसे इंटरेक्शन करने में, वार्तालाप करने में मुझे ज़्यादा आनंद आता है। मैंने कभी इस व्यवसाय को शॉर्ट टर्म एंगल से नहीं सोचा कि आज के समय पे हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहा कि मेरे साथ कोई भी पॉलिसी धारक, कोई भी ग्राहक जुड़ता है तो उसे अगर हम सही सच्ची सलाह देते हैं, और एक दिन नहीं बल्कि हमेशा निरंतर सच्ची सलाह देते रहेंगे, तो वो लंबी अवधि तक हमसे जुड़ा रहेगा। यदि वो जुड़ा रहेगा तो माउथ पब्लिसिटी के कारण हमें और नए पॉलिसी धारक मिलेंगे। राजीव जी, हर कामयाबी के पीछे कोई ना कोई होता है, आपकी कामयाबी के पीछे भी किसी ना किसी का हाथ होगा, तो किसको श्रेय जाता है उसका? मैं अपनी कामयाबी का श्रेय सबसे पहले श्री हरीश गुप्ता, जो मेरे विकास अधिकारी रहे हैं, न सिर्फ विकास अधिकारी रहे हैं बल्कि मेरे मेंटोर रहे हैं, एक फिलोसोफर, एक गाइड की तरह हमेशा हाथ पकड़ कर चलाया है, उन्होंने सिखाया है हमें कि किस तरह से कार्य करना है। लेकिन इसके अलावा मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी रीडिंग हैबिट से, ऑब्जर्वेशन से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करके। जब आप पॉलिसी करते हैं
जी ग्राहकों के साथ जी, तो किस तरह की मुश्किलें आपके सामने आती हैं? एक मेन चैलेंज, एक मुख्य जो हमें चैलेंज आता है वो यही आता है कि लोगों को बताना पड़ता है कि उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा का महत्व क्या है, इसके लिए उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपके सपने को कहीं ना कहीं साकार करने में LIC की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं ये बात मानता हूँ कि मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला करियर LIC के साथ ही आरंभ हुआ। जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने पाया, सब कुछ LIC की बदौलत है। जो यश, जो धन, जो सम्मान और जो एक करियर को लेकर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो हाई एस्टीम का जो मुझे एक स्टेटस प्राप्त होता है, वो सब LIC से ही प्राप्त हुआ है मुझे और मेरे परिवार को भी। LIC जैसी संस्था का कोई मैच नहीं है। आज भी विश्व भर में LIC एक बहुत प्रसिद्ध इंश्योरेंस कंपनी के रूप में कार्य करती है। रादर इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंश्योरर कंपनी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको जुड़ना है LIC के साथ, स्पेशली जो यंग जनरेशन आ रही है जिसकी इनकम भी बढ़ रही है और आने वाला फ्यूचर इंडिया का, यंग इंडिया का फ्यूचर है, वहाँ पर LIC जैसे प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी डिमांड रहने वाली है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोफेशनल एजेंट्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इसलिए मैं ज़रूर सलाह देना चाहूँगा कि जो भी नई जनरेशन के लोग हैं उनको LIC के साथ अवश्य जुड़ना चाहिए। तो ये हैं राजीव आर्या, इनकी सफलता की कहानी खुद इनकी ज़ुबानी हमने सुनी। इनके सफर में एक और पहलू है, क्या है वो पहलू, कौन है वो साथी जिन्होंने इनका हर जगह साथ दिया, खुद मिलवाएंगे राजीव आर्या। LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हरीश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका हरीश गुप्ता जी। राजीव जी का मानना है कि आज वो जो कुछ भी हैं तो उसमें एक तो श्रेय जाता है LIC को और दूसरा श्रेय जाता है हरीश गुप्ता जी को, तो आप इस रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे? राजीव आर्या मेरा एक सपना है जिसको मुझे पूरा करना है। एक बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए, बिजनेस के गुण इतने ना भी हो तो चलेगा, और राजीव में वो सब खूबियाँ मैं कर पाया। एक नया प्रयोग था हमारी लाइन में, वो सफल होता नजर आ रहा है और मुझे लगता आने वाले वक्त में वो सफलता की चरम सीमा पे जाएगा। बताएंगे कुछ, मतलब ऐसी क्या खासियत है इनके अंदर? पैसा कमाने के अलावा सब खासियत है। पैसा स्वेता, बिजनेस स्वेता, ज़्यादातर लोग बिजनेस के पीछे भागते हैं, इनकी खासियत है कि बिजनेस इनके पीछे भागता है। इनमें वो आकर्षण है, इतनी बेहतर सर्विस देते हैं, सिर्फ कहने के नहीं वास्तव में करते हैं, तो बिजनेस तो एक प्रतिफल बन जाता है इनके केस में। एक एजेंट और एक डीओ के बीच में ऐसा क्या रिश्ता होना चाहिए जो उसको सफलता तक ले जाए? लंबे समय चलने के लिए विश्वास बहुत जरूरी है, एक दूसरे पर बहुत विश्वास। ऐसी बातें हो सकती है जो एक दूसरे को पसंद आए या ना भी आए, उसके बावजूद विश्वास कम ना। पुराने ज़माने से अब तक का सफ़र LIC के साथ कैसा रहा? LIC वो संस्था है जो इतनी बड़ी, इतनी वृद्ध होने के बावजूद भी समय के साथ बहुत तेज़ से बदलती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का लगा लीजिए, चाहे वो स्ट्रेटेजी का लगा लीजिए। तो LIC अपने आप को दिनों दिन तरोताज़ा रखती है। दिनों दिन अब LIC का हम हीरक जयंती मना रहे हैं, आज लगता है LIC सबसे ज़्यादा चमकदार आज के दिन हमें लग रही है पिछले वर्षों के मुकाबले। तो ये सफ़र है राजीव आर्या जी का, जिसमें बखूबी साथ निभाया हरीश गुप्ता जी ने, उन्हें शिक्षित किया, उनको मार्गदर्शन दिया आगे बढ़ने का।